हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइजब्लू। मैं हूँ दिवेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी डेली पिवट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज, और बैंक निफ्टी का क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है उसका ऊपर बात करेंगे, और बैंक निफ्टी या मार्केट को कैसे रिसर्च किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो वो मैं दिखाएंगे। तो ये देख सकता है डेली चार्ट बैंक निफ्टी और डेली पिवट पॉइंट 2465 95, एंड द फर्स्ट रेजिस्टेंट 2448, सेकंड रेजिस्टेंट 2508 85, एंड द थर्ड रेजिस्टेंट 2527 8, और फर्स्ट सपोर्ट 2449 8, सेकंड सपोर्ट 2442, एंड द थर्ड सपोर्ट 2407। और ये देख सकता है बैंक निफ्टी डेली चार्ट, तो मैंने पहले आपको एक रेंज दिया था जिसे 24671 टू 25479 मैंने कल ही बताया था आपको मार्केट ये रेंज में रहेगा, तो आप देख सकते हैं ये मार्केट ये रेंज में है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत लो लोअर पॉइंट बनाया था यहाँ पे, फिर भी वो मार्केट फिर से पुल अप हो गया और ये रेंज में अंदर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट अभी घूम रहा है, तो ये टोटली ये रीजन में आप प्राइस कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। तो अगर हम एक रेंज बनाएंगे तो अभी एक नया रेंज बना हुआ है बैंक निफ्टी का, जो मैंने हायर पॉइंट लिया और ये हायर पॉइंट, तो और ये एक रेंज, ये रेंज हमें मिला, तो मार्केट अभी देख सकते हैं ये रेंज में है और प्राइस पूरा मतलब स्लीपिंग जोन में, लॉन्ग टर्म पोजीशन में स्लीपिंग जोन में है। तो मुझे लगता है अगर ये जो 24671 अगर इसको आज तोड़ दिया तो नीचे जो सपोर्ट लेवल है 23582 यहाँ तक आ सकता है। फिर भी आपको एक बात देखना पड़ेगा, जैसे हम 1 आवर में देखें, तो मुझे लगता है ये तो अगर इसको तोड़ नहीं पाया तो ऊपर चला जाएगा जैसे 25479 यहाँ तक, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन और आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज 100 भी यहाँ तक आ सकता है, मतलब आ जाएगा जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये मूविंग एवरेज 100 भी आ जाएगा यहाँ ऊपर और एक रेजिस्टेंस बनाएगा। तो आपको अगर ट्रेड करना है ये रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए आज, जैसे अगर मैंने 15 मिनट का देखे तो लगता है वो रेंज यही है, ये रेंज में अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड इज अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो फिर भी ये प्राइस आपको करेक्शन दे सकता है, और पहले अगर यहाँ पे एंट्री किया तो जैसे अभी चल रहा है 24800 का रेंज में, तो मुझे लगता है ये मार्केट ये जो तीनों मूविंग एवरेज एक ही साथ में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, जैसे 25000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से आप यहाँ तक बाय ले सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया जैसे 200 मूविंग एवरेज अराउंड 25100 एबव तोड़ दिया, तो मुझे लगता है मार्केट 25400 का पास जा सकता है। ठीक है, और अभी हम 5 मिनट में देखें, तो 5 मिनट में थोड़ा बहुत हमें कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये पहले हायर पॉइंट था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे देख सकता है ये हाई लेवल था यहाँ पे, तो ये लोअर पॉइंट था जो नेक्स्ट ये हाई बनाया, तो इसको तोड़ के और लोअर लो तो बना नहीं पाया, लोअर हाई बनाया यहाँ पे, इससे भी ऊपर बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है अराउंड 25000 का आसपास। अगर हमने इसमें रेंज निकाले तो आप देख सकते हैं एक मार्केट रेंज है, तो मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मार्केट रेंज है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर 25000 का आसपास जा सकता है आज यहाँ से, और ये रेंज में अभी मार्केट मुझे लगता है चल रहा है। अगर ये 24670 का तोड़ दिया मुझे लगता है वो मार्केट नीचे आ सकता है। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please learn, like and subscribe. Thanks for watching.